नमस्कार माधवी न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम क्लास 12 वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत कविता कबीर के पद, कबीरदास द्वारा रचित कबीर के पद का वाचन करेंगे। कबीर की साखी पहला, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आई। दूसरा, ना गुरु मिल्या न शीस भया लालच खेलिया दाओ, दोनों बूढ़े धार में, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। तीसरा, जा का गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप परंत। चौथा, कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होई, चंदन हो सी बावना नीम न कहसी कोई। पांचवा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, प्रेम गली अति सा करी जामे दो न समाही। छठवा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सातवा, हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराई, बूंद समानी समुंद में सोकत हेरी जाई। आठवा, जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना या तत् कथो ज्ञानी। नौ, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताजरी मुल्ला बाग दे
क्या बहरा हुआ खुदाए। दसवा, हम देखत जग जाती है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे बाही। कबीर की साखी पूरा हुआ। अब कबीर के पद। पहला, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी, जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी, भक्ता के भक्तिन होई बैठी, तुरका के तुरकानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी, यह सब अकथ कहानी। दूसरा, झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पल भरी रहन न पावे, खीर खाण घृत पिंड सवारा, प्राण गए ले बाहरी जारा, जी सिरी रची रची बांधते पागा, सो सिरु चचो संवार ही कागा, हार जरे जैसे लकड़ी झोरी, केस जरे जैसे तृण के कोरी, कहे कबीर नर आजहुँ न जागे, जम का दंड मुड़ मही लागे, जम का दंड मुड़ मही लागे। पूरा हुआ कबीर के पद और कबीर की साखी। अब कवि परिचय। कबीरदास संत काव्य धारा के प्रवर्तक एवं निर्गुण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि कबीरदास। भक्त कवि कबीरदास का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीरदास के जन्म समय के विषय में विद्वानों की भिन्न भिन्न राय है। यह माना जाता है कि कबीरदास एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थे, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें लहर तारा में एक तालाब के निकट छोड़ दिया था।
इन्हें नीरू और नीमा नामक संतान जुलाहा दंपति ने प्राप्त किया और इनकी परवरिश की। कबीरदास के गुरु स्वामी रामानंद थे। जनश्रुति के अनुसार इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। इनकी दो संतानें थीं, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीरदास ने जुलाहा का पुश्तैनी धंधा ही परिवार के भरण पोषण के लिए अपनाया। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों की कसौटी पर जिसे सही समझा उसे बेखौफ प्रकट किया। कबीरदास भाग्यवाद के प्रबल विरोधी थे। काशी में शरीर त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है इस मान्यता को जुठलाने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में वह काशी छोड़कर मगहर चले गए। कबीरदास रूढ़िवादिता, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, जाति पाति के भेदभाव, मूर्ति पूजा आदि के घोर विरोधी थे। कबीरदास के उपदेशों को उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रहित किया। बीजक के तीन भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। कबीरदास की मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मानी जाती है। पूरा हुआ कबीरदास के कवि परिचय के साथ ही कबीरदास की पद का। धन्यवाद।